सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि मैंने मेरे पहले वाली वीडियो में बताया था कि एसस का जो टफ A15 का लैपटॉप जो इंडिया में लॉन्च हुआ है, उसके कुछ वेरिएंट्स 63,000 या फिर 61,000 के प्राइस से भी लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन अभी जो मॉडल्स अमेजोन में अवेलेबल है उसका प्राइस रेंज स्टार्ट होता है 71,000 से। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं आपको जो 63,000 का प्राइस रेंज से जो लैपटॉप स्टार्ट होता है उसके बारे में एक अच्छी नॉलेज दे सकूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसस ने अपने टफ A15 के मॉडल्स आज amazon.com पे रिलीज़ कर दिए हैं, जिसका प्राइस रेंज स्टार्ट होता है 71,000 से। ये वाला है आप लोगों का बेस वेरिएंट। तो इसके बाद मैंने कुछ इस लैपटॉप के बारे में रिसर्च किया और मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, तो यहाँ से मैं एक कंक्लूशन में आया कि एसस टफ A15 63,000 से भी कुछ वेरिएंट्स रिलीज़ होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप जो अभी वेब पेज देख रहे हैं, यह है Digit.in का इंडिया वाला ऑफिशियल वेब पेज। तो यहाँ पे इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट्स पे ही दिया है कि एसस हैज जस्ट लॉन्च इट्स टफ सीरीज एंड लैपटॉप्स एंड रॉक डेस्कटॉप्स एंड द लैपटॉप्स इंक्लूड द A15 एंड A17 प्राइस्ड एट 60,990 एंड 62,990 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से आप लोगों को एक आइडिया आ रहा होगा कि ये A15 और A17 61,000 एंड 63,000 से भी स्टार्ट होंगे, लेकिन कौन से वेरिएंट्स? तो आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग इस आर्टिकल में देख सकते हैं, इस आर्टिकल में लिखा है कि जो एसस टफ का A15 का बॉनफायर ब्लैक मॉडल है वो स्टार्ट होगा 61,000 से और अवेलेबल सिर्फ अमेजोन पे होगा, और इसके साथ जो फोर्टिस ग्रे वाला मॉडल आता है वो स्टार्ट होगा 63,000 से। वो ऑल ऑफिस मतलब ऑफलाइन स्टोर्स पे भी अवेलेबल होंगे और अमेजोन पे भी अवेलेबल होंगे। तो इस वाले अगर आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है कि एज फार एज डिस्प्लेज आर कंसर्न, द A15 विल फीचर एन VIPS फुल HD डिस्प्ले विद द ऑप्शन ऑफ 60 Hz और 144 Hz रिफ्रेश रेट, वाइल द A17 विल कम विद VIPS FHD विद 60 Hz एंड 120 Hz रिफ्रेश रेट ऑप्शंस। सो आप लोगों को इस पैराग्राफ से अच्छी तरह से पता चल रहा होगा कि जो A15 के 144 Hz वाले रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के जो लैपटॉप्स है उसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 71,000 से, लेकिन जो A15 का 60 Hz वाला जो डिस्प्ले आएगा लैपटॉप का, तो वो वाला लैपटॉप स्टार्ट होगा आप लोगों का 63,000 से। तो वो वाले लैपटॉप्स भी अभी जल्दी अमेजोन रिलीज कर देंगे, तो मेरे को लगता है कि इस वीक के अंदर ही अमेजोन वो लैपटॉप्स रिलीज कर देंगे, क्योंकि इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि सेकेंड वीक तक ये लैपटॉप्स फ्लिपकार्ट पे भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था डिजिट का आर्टिकल। अब मैं आप लोगों को एक और आर्टिकल दिखाऊंगा जहां पे सेम चीज लिखा हुआ है। सो ये है gadgets.ndtv का आर्टिकल। तो यहाँ पे भी लिखा है कि एसस का टफ 15 एंड टफ 17 अनाउंस्ड। तो यहाँ पे भी लिखा है कि जो टफ का जो A15 आएगा तो वो स्टार्ट होगा 60,000 61,000 एंड 63,000 से अमेजोन रिलायंस एंड ऑफलाइन स्टोर्स पे। तो जो 63,000 का जो टफ का मॉडल आएगा वो आएगा आप लोगों का 60 Hz डिस्प्ले के साथ, शायद से सारे स्पेसिफिकेशन सेम होंगे और बहुत कुछ सेम होगा, कलर्स भी सेम आएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा, इसीलिए मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ क्यों क्यों नहीं शेयर किया जाए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दिया ताकि आप लोगों को पता चले कि 63,000 में कौन सा वाला मॉडल आएगा। इसके साथ एसस का जो
रॉग वाला डेस्कटॉप है, आप लोग जो ये पिक्चर में देख रहे हैं, तो ये वाला डेस्कटॉप भी आज लॉन्च हो चुका है। ये डेस्कटॉप का नाम है GS15 एंड GA35। इन लोग का भी प्राइस स्टार्ट होता है 65,000 एंड 1,80,000 रिस्पेक्टिवली, इन प्राइस रेंज में। सो इन डेस्कटॉप्स के जो स्पेसिफिकेशंस होंगे ये भी इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो GS 15 वाला मॉडल आता है वो आता है आप लोगों का AMD Ryzen 7 3700X के साथ, या फिर आप लोग Ryzen 5 का 3600X वाला मॉडल भी ले सकते हैं। इसके साथ तीन डिफरेंट GPU कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं, जो कि है GTX 1660 Ti का मॉडल, और GTX 1660 वाला नॉर्मल वाला मॉडल, या फिर GTX 1650 वाला मॉडल। तो इसके साथ आप लोगों के डेस्कटॉप में मिलेगा 32 GB तक का रैम, और जो GA35 वाला मॉडल है वो आता है आप लोगों का AMD Ryzen 93950X। तो ये प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है, ये प्रोसेसर Intel i9 के साथ कम्पीट करता है, या फिर आप लोग AMD Ryzen 7 3800X का भी वेरिएंट ले सकते हैं। ये सर डेस्कटॉप के साथ आता है NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti का ग्राफिक्स कार्ड। ये ग्राफिक्स कार्ड मतलब बहुत हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड है, या फिर आप लोग RTX 2060 का भी वेरिएंट ले सकते हैं, 2060 सुपर। और ये डेस्कटॉप आता है आप लोगों का 128 GB रैम के साथ और PCIe 4.0 SSD के साथ। ये डेस्कटॉप्स भी बहुत जल्द शायद से अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट रिलीज़ हो जाएंगे इस प्राइस रेंज के साथ। तो जब ये रिलीज़ होंगे तब मैं इन लोग के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप लोग, और मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को इनका लिंक्स भी दे दूं, ताकि आप इन लिंक्स में जाके इन डेस्कटॉप्स को भी परचेज़ कर पाए। एक्चुअली मैं कल सुबह तक का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप कौन सा Asus TUF A15 का मॉडल ले सकते हैं जो आप लोगों का एकदम वैल्यू फॉर मनी होगा और बेस्ट एट दैट प्राइस होगा। तो उसके लिए मैं कल सुबह तक का वेट कर रहा हूँ कि Asus अगर कुछ प्राइसिंग में डेवलपमेंट लाए, मतलब अच्छा कुछ प्राइसिंग अगर लाए। इसीलिए तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।